देखते क्या है आपके पास। बेंगाली है ये डिश, बेसिकली लाइक हूँ, ये प्रॉन में बनती है, झींगो में बनती है, श्रिंप फ्राई हो, एक होते हैं प्रॉन करके छोटे झींगे को, ये दरमियाने साइज के हैं, श्रिंप के इससे ऊपर जो होते हैं वो लॉबस्टर कहलाते हैं। तो उसके साथ मैं लेके आई हूँ, चावलों के साथ भी खाया जाता है, बंगालियों की बेहतरीन डिश है, वो लोग बहुत शौक से खाते हैं चावलों के साथ। तो मैं भी चाहूंगी कि आप लोग भी सीखें, बनाएं, पकाएं, खाएं, घर वालों को खिलाएं, गांव में याद रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं हाथ की तरफ। जनाब हाथ धोना बहुत जरूरी है, और खास तौर से ये तो जो मेरी डिश है झींगे वाली, इसमें मैं आपको दो झींगे, मैंने बाकी तो साफ कर दिए हैं, दो झींगे आपके सामने आपको लोगों को साफ करना बताऊंगी कि आप लोग किस तरह साफ कर सकती हैं पकाने से पहले। और मैं मुझे मालूम है बहुत सी मेरी प्यारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, जिनको झींगे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये डिश लेकर हाजिर हुई हूँ। आइए चले हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मालूम बेटा, जैसा मैंने आपको बताया कि आज मैं बंगाली डिश बना रही हूँ, प्रॉन कढ़ी बना रही हूँ, और उसके ये चावलों के साथ खाई जाती है। बेसिकली ये बंगाली डिश है, कुछ बिहारी लोग भी बनाते हैं, ये है मशरकी पाकिस्तान जब हमारा था तब की डिश है, और ये ऐसी ही चली आ रही है। बेटा अब आपको मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि मैंने आधा किलो झींगे लिए, फुल बड़े साइज के, जिसको श्रिम्प भी कहते हैं, एक प्रॉन होता है वो छोटा होता है, श्रिम्प बड़ा होता है, और लॉबस्टर इससे भी बड़ा होता है। ये मैंने लिए, इनको मैंने धोकर बीच में से स्किनर्स काट के निकाल लिया, लेकिन मैं ये आपको भी बताऊंगी, दो मैंने रखे हुए हैं आपको कि किस तरह इसकी सफाई की जाएगी। और ये धो के रखे मैंने, मजीद भी इसको धो लूंगी मैं, और इस तरह मैंने इसकी स्किनर्स निकाली है। अब आपको मैं बताती हूँ बाद में, पहले अच्छा इसके साथ साथ क्या क्या जाएगा इसमें, वो बेटा देखिए इसमें जाएगा खोपरा, प्याज और लहसुन के साथ। खोपरा लिया है मैंने एक कप चाय का खोपरा लिया है, ये आपके सामने आठ जबे हैं लहसुन के, और एक बड़ी प्याज है, ये इसके साथ पिसेगी, ग्राइंड की जाएगी। इसके अलावा बघार में डालेंगी हरी मिर्च और ये प्याज, ठीक है, बघार में भूनेंगे थोड़ा, फिर ये मसाला जो डाला जाएगा। प्याज कितनी है? प्याज की दोनों मैंने ले लिए, दोनों एक एक बड़ी प्याज, एक उसमें जाएगी पिसके और एक जाएगी फ्राई करके, और उसके ये मसाला जब डालूंगी। और हरी मिर्ची कितनी है? हरी मिर्ची जाएंगी दो अदरक, और अब आप ये बड़े छोटे छोटे से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जाएगी अदरक गार्निश के लिए, ऑयल मस्टर्ड जाएगा, सरसों का तेल पकाने के लिए, एक इंच का टुकड़ा पूरा, एक इंच का टुकड़ा लेके लंबा लंबा काटा है उसको, अच्छा ये देखिएगा आप, दो चुटकी क्या चीज है ये, मेथी दाना, अच्छा 20 काली मिर्चें हैं साबुत, ये एक चाय की चम्मची सफेद जीरा, आधा चाय की चम्मची मस्टर्ड सीड यानी बीज जो है इसके जाएंगे सरसों के, इसको क्या दूसरे लफ्जों में कहा जाता है, ये राई, अच्छा और ये जाएगी अजवाइन, ये भी जाएगी, ये भी इतनी ही है जितना ये है, इतना ही ये लिया है साबुत धनिया, ये पूरा आधी चम्मची चाय की, और 6 साबुत लाल मिर्च ली जाती है, पटना की बड़ी मिर्च होती है, या मेरे पास वाली रेड खुश होती है वो डलती है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन है आप ये भी ले सकते हैं। ये करी में वैसे ही डल के जाएगा, पिसा धनिया ये 1 चाय का चमचा है। अब आ जाएं आप हल्दी की तरफ, ये भी 1 चाय का चमचा है, प्लस ये है इमली का प्लम बनाऊंगी मैं अभी, इसको गूदा है पसीर हल्का सा, आपके सामने से इसकी वो निकालूंगी मैं बीज दिखाने के लिए आपको, ये 2 टेबल स्पून है, ठीक है बेटा, सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, कोई कम तो नहीं रह गया। अब मैं आपको बताती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको झींगा साफ करना, यहाँ से ऐसे लिया, उसके मुंह के पास से नीचे से इस तरह लिया, ये साफ हो गया, यहाँ से पकड़ा ऐसे बहुत आसानी से, यहाँ से नीचे इसको ऐसे लिया, ये ऐसे, और ये इसको बिल्कुल आराम के साथ आपने यहाँ से लिया दुम से, और ये खींच लिया, पूरा झींगा तैयार हो गया। अब ये क्या चाय है, ये इसका पेट है, ये नाली जा रही है, ये पेट है इसका, इसको आपने यहाँ से काटा, यहाँ से चुटकी से पकड़ा और इसको निकाल लिया, ये देखिए आप दिखा रही हैं, सही है, ये निकल आया बिल्कुल साफ हो गया, ये सब आई, इसको फिर दोबारा मैं धोऊंगी, ये मैं आपको बना के बता रही हूँ, देखिए फिर मैं बता रही हूँ, ऐसे यहाँ से गर्दन के पास से नीचे से इसका मुँह से ऐसे लिया, बहुत आराम से साफ होता है बेटा, और यहाँ से पकड़ा इसको ऐसे लिया, अब इसके ऊपर पलट लिया, पलट के इसके नीचे के ऐसा के लिए फिर पलटा आपने, पलट के अपने आप में इसकी मुँह के पास से इसको ऐसे खींच लिया, ये पूरा साफ, छुरी ली नाइफ लेकर बीच में से ऐसे काटा आपने, काट के इसको आपने इसकी रस नस जो है देखिए कैसे आई, पूरी आपने निकाल दी साफ सुथरा, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं रही। अब आप इसको मैं धोकर धोऊंगी और आपके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो आपके सारे लेकर चलूंगी, किस तरह बनाना है बहुत आसानी से, कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, दोबारा मैं धोऊंगी, मेरे पास बिल्कुल
बिल्कुल फेयर होती है रेसिपी। ये आटा है फाइन, ये मैं इसमें डाल रही हूँ और ज़रा सा मैं ये सॉल्ट दूंगी, जो कि नमक रखा ही नहीं गया है, भूल गई बेटा, नमक नहीं है, नमक नहीं है मेरे बच्चे, नमक भी तो रखिए। चले मैं लेकर आती हूँ। आपके सामने ही मैं इसको धो रही हूँ, मसल मसल के लगा रही हूँ, धोंगी वाइट निकालूंगी। सरसों के तेल को वो चीज़ नहीं है, ये इसी तरह पकाया जाता है बंगाली, ऐसे ही बनाते हैं इसको।
ज्यादा ऑयल को नहीं पकाते, आप जगह जगह देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। मेरी बात बिल्कुल सही हो गई। पहले डालना है आपने क्या डालना है, क्रश प्याज रखी थी जो हमने वो डालेंगे, और डालेंगे हरी मिर्च, ये शामिल करी हमने हरी मिर्च। अब इसको हम थोड़ा सा मतलब आधा इसका कच्चा पर खत्म हो जाएगा, बस उस हद तक इसको हम पकाएंगे, डालेंगे बस इसके अंदर सारा पैसा। इस बीच में मैं इमली के प्लम को जो थोड़ा सा जो खाली हुई है इसकी प्याली उसमें डालेंगे ये आपके सामने, उसको मैं थोड़ा सा इसका वो निकालूंगी बोल के जो बाद में डालूंगी ना, इसे दिखाने के लिए करती हूँ। अगर मैं चाहूँ ऐसे ही कर लूँगा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, सब इसके सामने ही होना चाहिए। इसको सामने खोल के डालूंगी मैं। अच्छा ये पानी डाला है, करती हूँ ऐसे पानी। प्याज को आपने लाइट ब्राउन रखना है, लाइट ब्राउन में नहीं, बस हो गए कच्चापन हल्का सा खत्म होना है, जो कि हो गया है, सारा नहीं करना है इसमें। हरी मिर्चों की भी शक्ल नहीं बिगाड़नी है बेटा, ये बस तैयार हो गया है। अब इसमें क्या डालेंगे हम आपके देखें, ये लहसुन प्याज और खोपरा। अब इसके साथ जाएगा पानी थोड़ा सा, इसलिए इसमें शायद मशीन में ज़रा अच्छा खासा लगा हुआ है। ये देखिए दूध की तरह से हो गया बिल्कुल, और है बाहर का भी थोड़ा सा गया, चले कोई बात नहीं। अब इसके साथ डालेंगे बेटा हमने जो मसाले भून कर क्रश किए थे वो सब शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ये डाल दिया, सारा सामान जाएगा अंदर सारा सिवाय इडली के प्लम के, ये जाएगा देखिए धनिया पिसा और हल्दी। बड़ी खुशबू आ रही है भाई अभी से ही, ये चला गया। अब इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा एक मिनट के अंदर, जब तक ये पकने के लिए शुरू होगा इमली के को हाथ से ऐसे करके उसके कटारों में से वो निकल जाएगा बीज, प्लम बन जाएगा बिल्कुल गूदा, जिसको लव उर्दू में गूदा कहते हैं, वो निकाल लेंगे। इसका पतला कर लिया, इसकी बीज निकाल लिए मैंने आपके सामने से, यहाँ से बीजों को पकड़ के अंदर किया और ये इसमें डाल दिया, ठीक है बेटा। अब इसको हमने पकाना है कितने मिनट तक, ये अपना थोड़ा सा कच्चापन छोड़ेगा बेटा, फिर इसमें छाए डालेंगे झींगे, झींगे शामिल करके फिर बेटा इसके अंदर इसे 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट पकेगा ये, तकरीबन तकरीबन 7-8 मिनट 10 मिनट ऐसी चूल्हे पे, इसने नहीं कम कर दी धीमे से थोड़ा सा ऊपर, बस इसको जोश आ जाए इसमें डाल दो, बिल्कुल धीमा कर देंगे इसको, इसमें थोड़ा सा पानी बेटा जाएगा थोड़ा सा इसमें, ये थोड़ा सा ये पकने फिर बोलते हैं, ये देखिए आधा गिलास के करीब या ये एक गिलास से थोड़ा सा कम, ये इतनी पकनी होनी चाहिए पकने के बाद भी। एक आध जगह लहसुन आ गया, ये देखिए आप इसने बाद में गरम हो जाएगा उसको पीस लीजिएगा। हाँ इसके अंदर ही गल जाएगा, ये देखिए मैं प्रॉमिस डाल रही हूँ, ये शामिल करें। मैंने बहुत आसान रेसिपी है, बहुत रेसिपी के दिमाग आदमी हाजिर और हाजिर रख के बनाए पकाए। इसमें भी जोश आएगा, इसको धीमा करूँगी और इसको 7-8 मिनट के अंदर मैं इसमें आऊँगी, आकर के इसको डिश आउट करूँगी। इतनी इजी रेसिपी, झींगा इंतहा से ज़्यादा फायदेमंद, प्रोटीन से भरी, मज़ा से भरी, इसमें हर चीज़ हाजिम होने वाली है, हर चीज़ आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन ज़रा यह है कि प्रॉन्स आजकल मिलनी मुश्किल से रहे, फिर थोड़ा हाई करेंगे। नहीं बेटा बस जोश आ रहा है, बस अभी कम करेंगे इसको, हाई थोड़ी करेंगे। ये देखिए इसको हम ढक रहा है आपके सामने, इसको जोश आ रहा है बेटा, इसको मैं वो करूँगी धीमा, 10 मिनट के बाद देखूँगी। आप दिखा रहे हैं आ चुका है बेटा, साइड बाइड सब दिखा रहे हैं, इसको मैं धीमा करूँगी। देखिए ये नॉन स्टिक फ्राई पैन वो है, कढ़ाई है ये इसमें पकती है इतने फ्लेम में, ठीक है धीमे से थोड़ा सा ऊपर। 10 मिनट के बाद 8 मिनट के बाद मिलती हूँ, 8 मिनट में आ जाऊँ। ओके पूरे 8 मिनट बाद मैं आ रही हूँ, माशाल्लाह ये तैयार है बेटा, बिल्कुल इसी तरह बन रही है, इसी तरह तैयार होती है। ऊपर ऑयल आ रहा है इसके, अभी मैं इसे डिश आउट करूँगी, देखिएगा उसी वक्त और मजीद ऑयल ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी रेसिपी तैयार हुई है। तवक्को से भी बहुत अच्छा पक बनता है माशाल्लाह, बाजू का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं, जरा ऐसे डाल दूंगी इसको ऐसे आपके, अब गिरे बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। देखें आप डाल रही हूँ अदरक, खुश्का चावलों के साथ, चपाती के साथ, ऐसा अमूमन ये चावलों के साथ ही खाई जाती है, लेकिन आप उसके साथ बना सकती हैं चपाती फुल के, उससे भी खाया जा सकता है। और मैं आपको फिर कहूँगी माशाल्लाह कि आप लोग बनाएं पकाएं, दुआ में याद रखें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और
देखें कितनी माशाल्लाह खूबसूरत है। मिसाल के कुछ बोला ही नहीं जा रहा माशाल्लाह। और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।